हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन गोस्वामी, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना आंसर की मैं रिज़ल्ट भी चेक कर लिया होगा कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन उनको मिल गया होगा। अब स्टूडेंट्स में ये है कि वो क्या करें, ये कश्मकश है कि वो क्या करें, इंडिया में अप्लाई करें या बाहर फॉरेन के लिए अप्लाई करें अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, और अब्रॉड स्टडीज़ में भी अगर अप्लाई करें तो कौन सी कंट्री बेटर है उनके लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है उनके लिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए बेटर है। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन के बारे में। सो यूक्रेन क्या है कि एक यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है ये, और यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है। अगर इसका हम देखें कि बाउंड्रीज जो हैं वो बेलारूस, हंगरी, रशिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और जॉर्जिया, इन सभी से इनकी बाउंड्रीज टच होती हैं, और बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें इसमें, तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर यूरोप की और यूक्रेन की, और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को दो तीन नाम। जैसे एक है ओ बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1841 में ये यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुई। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन, एंड लीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 1784 में ये स्टेबलाइज हुई, 1784 में स्टेबलाइज हुई। अप्रॉक्सीमेटली 200 आप ये लगाएं 230 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड यूनिवर्सिटी है। सो इट इज़ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन एज वेल, एंड वी एन कराजिन खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1806 में ये स्टेबल हुई, और इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं। एंड देन ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी 1805 में ये स्टेबल हुई, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर भी जो है अकॉर्डिंग टू द स्टडी वो काफ़ी लो है। अगर हम स्टडी का पैटर्न और स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी अगर देखें यूक्रेन का, क्योंकि यूरोपियन पैटर्न है स्टडी का, ठीक है ना, और बोलोंगना मेथड से पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो और कंट्रीज़ में अवेलेबल अभी तक नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि US, UK, कैनेडा यहाँ पर हो, बट यूरोपियन और रशियन कंट्रीज़ में अभी तक ये नहीं है, बट यहाँ पर आपको बोलोंगना मेथड से पढ़ाया जाता है। बोलोंगना मेथड क्या है, इसके अंदर में क्या होता है, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करने के लिए ओरिजिनल डेड बॉडीज़ दी जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियोज़ में डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी एंड जो पैटर्न है स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग फ़ीस काफ़ी लो है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 15.6 लाख एंड इट गोज अप टू 18 लाख फॉर द होल कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो है 5.8 ईयर्स का उसकी फ़ी ये है, ठीक है ना। एंड जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो हॉस्टल है काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल के अंदर, इंडियन फूड वहाँ पर अवेलेबल है, और इंडियन फूड के साथ साथ में अगर हम बात करें तो इंडियन फूड के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है कि वेज और नॉन वेज दोनों तरह का फूड अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स नॉन वेज प्रेफर नहीं करते हैं उन लोगों के लिए वेज फूड अवेलेबल है, और इसके अलावा क्या है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, और उसके बाद में क्लिनिकल प्रैक्टिस, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग, हम लोग को अट्रैक्ट करती हैं यूक्रेन में स्टूडेंट्स को भेजने के लिए, और स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में जो पढ़कर आते हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी नॉलेजेबल स्टूडेंट्स होते हैं। MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पहले होता था, अब तो नेक्स्ट उनको देना है, तो वो भी इजीली उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड और थर्ड ईयर से ऑनवर्ड्स जो है वो नेक्स्ट और MCI की कोचिंग
कोचिंग उन लोगों को अवेलेबल हो जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो टेक द प्लेजर टू स्टडी इन एन एजुकेशनल कंट्री एंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूक्रेन। ये आप लोगों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, इसको ग्रैब कीजिए। एंड इसके अलावा यूक्रेन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368625914, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एनी टाइम आप कभी भी मुझे रिंग कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं आपको सारे डिटेल्स के बारे में, यूक्रेन की डिटेल्स और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि हमारे यूक्रेन गए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।